दुर्ग शहर की यातायात को सुधारने और शहर में पार्किंग व्यवस्था को देखने संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने इंदिरा मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान दुर्ग पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के साथ ही व्यापारी भी मौजूद रहे। पिछले दिनों दुर्ग इंदिरा मार्केट के व्यापारी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। उनके इस प्रदर्शन को संज्ञान में लेते हुए संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर के निर्देश पर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्ग पुलिस अधीक्षक और निगम के अधिकारियों के साथ इंदिरा मार्केट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाजारों की गलियों और मौजूद समस्याओं का अवलोकन कर वहां हो रही समस्याओं का निरीक्षण किया और समस्याओं से अवगत हुए और आने वाले समय में इन समस्याओं के त्वरित रूप से निराकरण के लिए जल्द ही पहल किए जाने की बात कही। इस दौरान दुर्ग शहर के व्यापारियों ने भी साथ रहकर सभी को बाजार में होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। ये भी पूरी पार्किंग है मैडम, ये पूरी पार्किंग बता दे। दुर्ग कलेक्टर ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग व अन्य सड़कों पर हुई दुर्घटनाओं की रोड थाना तथा सड़क व रिपोर्ट्स की गहन समीक्षा की थी तथा चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट पर सुधारात्मक कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए थे। साथ ही विशेष रूप से सड़कों से अवैध कब्जे हटाना, प्रकाश व्यवस्था, संकेतक रोड मार्किंग व गति नियंत्रक बोर्ड लगाना आदि के बारे में निर्देश दिए गए थे। दुर्ग शहर के व्यापारियों की समस्याओं को जानने दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर सहित अन्य अधिकारियों ने दौरा कर हो रही समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान इस तरह की जानकारी मीडिया के समक्ष दी गई है। आज संभाग आयुक्त महोदय के निर्देश पर पूरा जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मार्केट का निरीक्षण किया है, जो व्यापारियों के द्वारा पार्किंग को लेकर के मार्केट को व्यवस्थित करने को लेकर के बहुत सारी बिंदु इसमें उठाए गए हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि त्वरित रूप से उनका सबका निराकरण किया जा सके। आप यहाँ पे खड़े हैं कुछ ही कदम की दूरी पर महात्मा गांधी, वहाँ पे बच्चे और नेशनल डे खेल चुके हैं, पॉइंट पे बात करेंगे अपन, उस दिन इंस्पेक्शन करेंगे, उस दिन देख लेंगे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।